गाइस तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय संडे व्लॉग। तो आज संडे है इसके लिए कह रहा हूँ संडे व्लॉग। तो अभी सुबह के दोपहर के अभी 11 बज चुके हैं और आपको दिखाता हूँ आज संडे तो ग्राउंड में कितनी ज़्यादा भीड़ है। और हाँ, मैंने कल जो सैटरडे व्लॉग डाली थी वो भी जाके देख लेना भाई, बहुत अच्छी बनी है। तो चलो आपको अभी दिखाता हूँ सामने, मतलब हर संडे में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन इस संडे पता नहीं क्या हुआ, ज़्यादा भीड़ नहीं लेकिन फिर भी है। और सब सच्ची मैं कह रहा हूँ, अभी इतनी भीड़ नहीं तो देखना शाम में भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी। तो मैं चलो आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ है। तो ये देखो गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, मतलब अभी इतनी ज़्यादा है नहीं लेकिन देखो फिर भी है भीड़। और शाम में देखना भाई कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। अब शाम में आपको दिखाऊँगा कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, अभी देख लो इतनी, और शाम में देखना भाई कितनी होगी। गाइस अब 12 बज चुके, तो चलो आपको दिखाते हैं कैसा सीन है। देखो भाई अभी कुछ इतने सारे हैं, और देखना भाई मतलब आज संडे भले इतने कम लोग हैं लेकिन फिर भी ये लोग दोपहर तक खेलते ही है भाई, वरना तो ऐसे दोपहर में पूरा ग्राउंड खाली रहता है, लेकिन आज नहीं रहेगा, आज पूरा ग्राउंड भरा रहेगा देखना गाइस। तो चलो गाइस अब नीचे जाके आराम से बैठते हैं, टीवी वगैरह देखेंगे, और दोपहर में 1 या 2 बजे आपको दिखा दूंगा कि कोई ग्राउंड में खेल रहा है कि नहीं, कि नहीं खेल रहा है, बाकी फिर शाम में व्लॉग बनाएंगे। चलो गाइस चलते हैं। ये देखो गाइस दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी भी कितने सारे लोग खेल रहे हैं ये देखो। तो चलो अब नीचे चलते हैं, अब सीधे शाम में व्लॉग बनाएंगे। हे गाइस अभी बज चुके शाम के 4:30, और अभी मैं ऐसे वैसे तो मैं 4 बजे व्लॉग शुरू करने वाला था, लेकिन मैंने जो सैटरडे का जो व्लॉग बनाया था वो मैंने कल रात में एडिटिंग की थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ तो एडिटिंग नहीं हुआ। तो अभी मैंने देखा क्योंकि मैं 5 बजे या 5:30 बजे अपलोड करने वाला हूँ अभी, तो फिर ढाबे पर जाके या फिर रूम में कर देंगे, तो अपलोड करने वाला था, देखा तो भाई वीडियो है नहीं, तो फिर वो तो अच्छा हुआ कि मतलब जो वीडियो होते वो सब थे, तो फिर मैंने एडिटिंग कर लिए और अभी एडिटिंग हो चुका है वीडियो। तब शाम में 5 या 5:30 या 6 बजे तक अपलोड कर देंगे। और चलो आपको ढाबे से व्यू दिखाते कैसा है। चलो गाइस सब आपको दिखाते ढाबे का व्यू, मतलब ढाबे से व्यू दिखाता हूँ आपको। तो देखो कुछ मैदान में अभी इतने लोग हैं, पूरा एयरपोर्ट खाली है, और अभी मतलब यहाँ से धूप लग रही है और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, और यहाँ से कुछ इतने ज़्यादा लोग हैं, शाम में तो और ही ज़्यादा हो जाएंगे भाई, देख लो भाई। तो गाइस अभी नीचे चलते हैं, जब सनसेट होने का टाइम होगा तब आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जब सनसेट होने का टाइम होगा तब आके आपको दिखा दूँगा। चलो गाइस तो अभी सैटरडे का जो मतलब कल का व्लॉग बनाया तो वो अभी अपलोड पर लगा देते हैं, फिर शाम में जब मतलब सनसेट होने का टाइम हो जाएगा तब ढाबे पे चलेंगे। जब सनसेट होने का टाइम हो चुका तो चलो आपको ढाबे से दिखाते हैं, मतलब ढाबे से कैसा व्यू आ रहा है, और जो सैटरडे का व्लॉग था वो भी अब मैंने अपलोड कर दिया है, तो जाके सैटरडे व्लॉग भी देख लो, बहुत ही मस्त बना है। और चलो ढाबे से आपको व्यू दिखाता हूँ। तो देखो अब धीरे धीरे सनसेट हो रहा है, और ये देखो ग्राउंड में कितने ज़्यादा लोग आ गए भाई, देख लो ना भाई। तो गाइस जी आपको ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का दिख रहा है भाई, अभी यहाँ ढाबे पे था और यहाँ से पता नहीं कैसे शायद लगता है यहाँ पे से दोनों ढाबे जुड़े, वहाँ से चला गया भाई, खतरनाक पहुँच गया। देखो गाइस एक हेलीकॉप्टर आते हुए बहुत ही स्पीड में और बहुत ही खतरनाक आवाज़ के साथ, ये देखो भाई। ओहो भाई क्या स्पीड से जा रही है, जब ये वापस यहाँ पर आ रहा है, ओ नीचे से जा रहा है भाई, मुझे लगा भाई ये सीधे ढाबे से कूद के आ गया। देखो भाई जा भी गया इतनी जल्दी। देखो भाई सनसेट होते हुए और सामने से एक बहुत ही बड़ी एरोप्लेन आते हुए, और यहाँ पे देखो चंदा मामा भी आ चुके हैं, और ये देखो भाई इतनी जल्दी प्लेन आ भी गई, उतनी दूर से यहाँ पे आ गई, ये देखो इस प्लेन का नाम है इंडिगो, देखो लिखा हुआ है इसके ऊपर इंडिगो। वो गाइस जब सनसेट हो चुका है तो एकदम क्लियर ही चंदा मामा दिख रही है देखो। चलो गाइस तो सनसेट हो चुका है तब नीचे चलते हैं, जब नीचे आ चुका हूँ, और ये देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है आपको दिख ही रही होगी जैसे कि, और
चलो शाम हो चुकी है तो अब आरती आरती भगवान जी की करते हैं और वीडियो एडिटिंग कर लेंगे और फिर टीवी भी देखेंगे और क्या। फिर कल सुबह को नहीं, मैं शाम को वीडियो अपलोड करता, फिर कल शाम को वीडियो अपलोड कर देंगे और क्या। तो देखो गाइस, जो ये वाइट लाइट है, मतलब लाइट वाइट आता ही है, तो ये जो वाइट लाइट है एकदम प्रॉपर ही, मतलब पूरा वाइट है। और ये लाइट है ना, ये हल्का हल्का पीला है, इसके लिए कुछ ऐसा फेस दिखता है। पहले मेरे पास मतलब ये वाली लाइट थी नहीं, जो मेरे पीछे देखो, अब बंद करता तो कुछ ऐसा फटाफटा फेस दिखता है, ऐसा अच्छा नहीं दिखता है। इसके लिए पहले मैं इस रूम में फिर मतलब पहले वीडियो भी नहीं बनाया करता था, और अब एक दो हफ्ते पहले मैंने ये पीछे वाली जो आपको दिख रही है लाइट लगा दी है, तब इस रूम में भी अच्छे से ब्लॉग बना पाता हूँ। क्योंकि मतलब मेरे को ज़्यादातर मतलब नीचे रूम में ये रूम में वीडियो बनाना होता था, इसके लिए मतलब मैंने लाइट लगा लिया है, तब अच्छा फेस दिखता है। तब रूम में भी अब ज़्यादातर रात में ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि पहले मैं मतलब बहुत छोटे छोटे ब्लॉग आते थे, क्योंकि मैं रात में ब्लॉग नहीं बना पाता था इस रूम में, तो अब बना सकूँगा। क्योंकि रुको मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो पहले मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कैसा फेस दिख रहा है, पिंक, यहाँ पे कैसा फेस दिख रहा है, देखो यहाँ पे तो एकदम ही अलग फेस दिख रहा है। और अब देखो कहीं पे भी बैठ जाओ, कहीं पे भी है, देखो ये कहीं पे भी मतलब अच्छा फेस दिखता है, वैसा फेस नहीं दिखता बकवास, अब अच्छा दिखता है भाई। तो गाइज आज का व्लॉग अभी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइज जल्दी की नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। गाइस सामने अंधेरा हो चुका है, फिर भी सब खेल खेल नहीं रहे, अब सब जा ही रहे हैं।